दोस्तों आज हम बना रहे हैं मुर्ग चने। बाज़ार से जब हम मुर्ग चने लेकर आते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसमें क्या ऐसी ख़ास बात होती है जो हम घर पे नहीं बना सकते, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस रेसिपी में और आपको बताएंगे। तो चलें जी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, 3 छोटे साइज़ के प्याज, उसको देखें मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसको प्याज को हमने यहाँ पर गोल्डन ब्राउन करना है, तो अच्छी तरह यहाँ पे इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज का कलर चेंज होने के बाद यहाँ पे हम इसमें लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 3 टेबलस्पून शामिल करेंगे। लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च डालते साथ ही आपने चम्मच को चलाना है। और उसके बाद कुछ गरम मसाले हैं, इसमें काली मिर्च है, 4 से 5 लौंग हैं, 1 बड़ी इलायची है, 2 टुकड़े दालचीनी के है, 1/2 चाय का चम्मच हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा है, 2 छोटी इलायची है, 1 तेज़पत्ता है और 2 हमारे पास बादियान के फूल हैं। ये मसाला जात इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह चलाएंगे। और हमने यहाँ पे हमने इसको 5 मिनट के लिए भूनना है, तकरीबन 5 मिनट लो फ्लेम पे हम इसको भुनाई करेंगे यहाँ पे मसाले की। और उसके बाद इसमें हम चिकन शामिल करेंगे। चिकन मेरे पास 1 लेग का बड़ा पीस था, उसके छोटे छोटे पीसीस करवा दिए, ये चिकन शामिल कर दिया। और हमने यहाँ पे मसूर की दाल ली है, 3 से 4 टेबलस्पून मसूर की दाल है, उसको भिगो दिया था तकरीबन 1/2 घंटे के लिए भिगोया है। और ये मसूर की दाल हम इसमें शामिल करेंगे, अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स करेंगे। और जब आप बाज़ार से चने लेकर आते हैं तो उसमें एक गाढ़ा गाढ़ा सा थिक सी ग्रेवी सी होती है, तो वो ग्रेवी इस दाल के साथ बनती है। और 2 टेबलस्पून इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। यहाँ पे हमने दाल को गलाना है, तो तकरीबन हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए कवर करेंगे। 7 मिनट कवर करने के बाद अभी ढक्कन को खोला है तो यहाँ पे देखिए दाल जो कि अच्छे से इसमें गल चुकी है, मेल्ट हो चुकी है। अभी यहाँ पे दोस्तों मैंने 2 टमाटर लिए हैं, टमाटरों को देखिए मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये टमाटर इसमें शामिल करेंगे। और अभी हमने यहाँ पे टमाटरों को गलाना है, तो टमाटरों को गलाने के लिए हम इसको कवर करेंगे, तकरीबन हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। 5 मिनट कवर करने के बाद ढक्कन उठाएंगे, टमाटर देखिए अच्छे से गल चुके हैं। अभी 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पे खुश्क धनिया लिया है, उसको दरदरा सा कर लिया, ये इसमें शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून धनिया हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और यहाँ पे इसकी अच्छी तरह मिर्चों की मसाले की बुनाई करेंगे। मसाले में कच्चापन नहीं रहे मिर्चों का, इसलिए हमने यहाँ पे इसकी बुनाई करनी है। बुनाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ग्रेवी इसकी अच्छे से तैयार हो चुकी है, जो हमने इसमें दाल डाली थी, सारी चीज़ें डाली थी, वो अच्छे से इसमें मिक्स हो चुकी हैं। तो इस तरह का मसाला तैयार करना है। और उसके बाद देखिए जी यहाँ पे माशाल्लाह से मसाला जो कि अच्छे से बुन रहा है, ऑयल मसाले से अलग हो गया है। तो अभी हमने इसके अंदर 1 कप पानी शामिल करना है। 1 कप पानी डाल के दोस्तों यहाँ पे इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अभी आपको इसमें टमाटर के चंक्स नज़र आ रहे हैं, तो अभी इसको भी हमने मेल्ट करना है। 3 सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। 5 मिनट के बाद देखिए टमाटर वगैरह इसमें अच्छी तरह मेल्ट हो चुके हैं और फाइनली मसाला जो हमारा रेडी हो चुका है। अभी यहाँ पे 1 पाव मेरे पास चने थे, चने को मैंने भिगो के तकरीबन ओवरनाइट 8 घंटे के लिए भिगोया है, और भिगो के इसको मैंने बॉयल कर लिया। बॉयल चने हैं ये, इसमें शामिल कर देंगे 1 पाव बॉयल चने। और चने डालने के बाद यहाँ पे चम्मच को अच्छी तरह चलाएंगे, अच्छी तरह इसको मसाले के अंदर मिक्स करेंगे। मिक्सिंग इसकी करने के बाद हम यहाँ पे इसको कवर करेंगे। तकरीबन हमने यहाँ पे इसको 7 से 8 मिनट के लिए कवर करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे। 8 मिनट कवर करने के बाद फिर से चम्मच चलाएंगे और चने देखें हमारे कुछ इस कंडीशन में आ गए हैं। तो फाइनली हम इसके ऊपर थोड़ा सा गर्म मसाला छिड़केंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डालेंगे। और दोस्तों यहाँ पे इसमें 2 से 3 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया छिड़क देंगे, इसकी बड़ी प्यारी इसके अंदर खुशबू होती है। फिर से कवर करेंगे, 5 मिनट के लिए इस तरह कवर करना है ताकि ऑयल इसके ऊपर आ जाए। 5 मिनट कवर करने के बाद देखिए चनों के ऊपर ऑयल आ गया, ग्रेवी देखिए कितनी ज़बरदस्त चनों की तैयार हुई है। और मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ, माशाल्लाह से देखिए बिल्कुल बाज़ार जैसे खुशबूदार बहुत ही मज़ेदार चने हमारे तैयार हैं। तो आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक अच्छा सा कमेंट करें, फीडबैक दें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो इम्प्रूव करने में हमें मदद मिल सके। तो फाइनली आप देख लें, चने की लुक देख लें कितनी अच्छी है, आप इसको नाश्ते में बनाएं, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।